सर्वर आ गए, पहला सर्वर ये है, दूसरा ये है, ठीक है। अब हमें फेलओवर इसमें करना है, तो फर्स्ट सर्वर में जाएंगे, पहले किसको बना लेते हैं नॉर्मली जैसे बनाते हैं।
नाम आ रहा है, इन दोनों सर्वर का मिला जुला नाम आ रहा है। तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप नाम लिख देते हैं, मैक्सिमम क्लाइंट लीड टाइम 1 आवर, मोड लोड बैलेंसिंग। अब देखो क्या है इसमें, क्या है लीड का मतलब है कौन लीड करेगा, दो सर्वर हैं, आपने दोनों क्या कर दिया, ऑन कर दिए, तो लीड का मतलब है कि कौन पहले आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, तो वो लीड है, लीड कर रहा है, तो लीड करेगा एक घंटे, यानी कि पहले घंटे वो लीड करेगा, यानी कि मेन वो सर्वर रहेगा फर्स्ट वाला जो लीड करेगा। तो यहाँ पे लीड टाइम आ रहा है 1 आवर, पहले घंटे जो पहला सर्वर है वो करेगा काम। और अगर आप इनके बीच में स्विच ओवर भी लगाना चाहते हो तो नीचे ऑप्शन आ रहा है स्विच ओवर का। स्विच ओवर में क्या होगा, ये दोनों सर्वर लोड बैलेंसिंग मोड में काम करेंगे। देखो बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग आ रही है, लोड बैलेंसिंग में क्या है, दोनों सर्वर क्या है 50-50 पे आपने डाल रखे, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा 50% पहले सर्वर से उठाएगा और 50% दूसरे सर्वर से, तो दोनों के बीच में लोड बैलेंसिंग हो गया। अब इसमें देखो आपने अगर स्विच ओवर भी लगा दिया, स्विच ओवर देखो 60 मिनट का है, तो पहले 60 मिनट ये वाला काम करेगा पहले वाला, और फिर अगले 60 मिनट दूसरे वाला काम करेगा, तो ये उसके बीच में क्या है स्विच ओवर आप लगा सकते हो। तो उसमें क्या होगा, दोनों सर्वर जो हैं उनमें से एक टाइम में एक ही सर्व करेगा, दूसरा बैठा रहेगा, अगर आपने स्विच ओवर लगा दिया ये वाला। अगर स्विच ओवर नहीं लगाया तो दोनों एक साथ काम करेंगे, दोनों आईपी एक साथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर स्विच ओवर लगा दिया तो रेंडमली काम करेंगे, पहले 60 मिनट वो काम करेगा फिर अगले 60 मिनट दूसरा काम करेगा, ठीक है। तो ये आप हाँ यही तो ये बात हो रही है कि भैया लीड कौन करेगा, लीड टाइम जो है वो 1 आवर है, मतलब पहला सर्वर होगा ना वो लीड करेगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको चूज करना है हॉट स्टैंड बाय, लोड बैलेंसिंग नहीं करा रहा हूँ मैं करा रहा हूँ यहाँ पे क्या फेल ओवर। तो फेल ओवर के लिए यहाँ पे हॉट स्टैंड बाय आप चूज कीजिए, तो मोड आपने चूज किया हॉट स्टैंड बाय, और यहाँ पे देखो आ गया रोल ऑफ द पार्टनर सर्वर, तो यहाँ पे आप स्टैंड बाय चूज करो, हॉट स्टैंड बाय मोड पे काम कर रहा है और जो इसका पार्टनर है वो स्टैंड बाय मोड पे रहेगा और ये खुद एक्टिव मोड में रहेगा, और अगर आपने पार्टनर को एक्टिव करा दिया तो खुद आप क्या हो जाओगे स्टैंड बाय हो जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको चूज करना है स्टैंड बाय, जिससे कि आपका पार्टनर क्या है वो बाद में काम करे, पहले आप काम करोगे। फेलियर में वो एक्टिव होगा, फेलियर में हाँ जब एक डाउन हो जाएगा तो जो दूसरा वाला सर्वर है उसको मैसेज पहुंच जाएगा और वो क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा, जैसे ही ये डाउन होगा तुरंत ही दूसरा वाला एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखो ये कह रहा है एड्रेसेस रिजर्व फॉर द स्टैंड बाय सर्वर, जो स्टैंड बाय सर्वर है उस पर आप कितने परसेंट एड्रेसेस रिजर्व करना चाहते हो, तो यहाँ आप परसेंटेज डाल सकते हो, तो उतने परसेंट वो अपने पास रिजर्व रखेगा फ्यूचर यूज़ के लिए, मतलब किसी को स्कोप में से उतने रिजर्व हो जाएंगे एड्रेसेस 10%, 20%, तो वो उनको देगा नहीं। पहला सर्वर क्या करेगा वो क्या करेगा, देगा नहीं उनको, वो किसके लिए बचा के रख रहा है दूसरे के लिए, जो अगर दूसरा सर्वर क्या है जब काम करेगा तो उनमें से वो प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे आप 5%, 10% जितना भी आप करना चाहते हैं, तो यहाँ मैं 20% इसको दे देता हूँ। ऑथेंटिकेशन मैसेज, तो यहाँ पे आप कोई भी सीक्रेट डाल सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे कोई भी नंबर वगैरह या सीक्रेट और कुछ भी आप डाल सकते हो। आपका फेल ओवर रिलेशनशिप तैयार हो गया, स्विच ओवर नहीं है इसमें, डिसेबल है, इसमें ऑटोमेटिक आप कर सकते हो, ठीक है।
कोई डिफरेंस नहीं है, देखो उसको अब यहाँ भी दिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ भी दिखा रहा है, सेम आ रहा है, और दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनी हुई है फेल ओवर। मैं यहाँ पे देखो एक एक्सक्लूजन बना दे रहा हूँ, सर्वर पे लगाएंगे ना वही आएगा, क्लाइंट ऐड करते हैं इसमें। बोलो सर, जैसे आपने कुछ परसेंटेज दी थी सेकंड सर्वर को, हाँ हाँ, कितने यूज कर रहे हैं, जैसे 20% 30%, वो कैसे पता लगेगा कौन सी रेंज ये दे सकता है? वो जब पहला सर्वर डाउन होगा ना, टोटल रेंज का 20% दिया था हमने, 20%, हाँ, तो उतना यूज कर पाएगा। हमारा क्लाइंट हो गया, ठीक है, 224 जो है आईपी एड्रेस क्लाइंट ने क्या है ऑब्टेन किया, ये हमारा क्लाइंट है, ये आईपी इसने उठाया हुआ। दूसरा जो सर्वर है उस पर भी देखो सेम आईपी आ रहा है लीज के अंदर, और इसके अंदर भी सेम आईपी आ रहा है, यानी कि जो एड्रेसेस जो भी उठाएगा, जो भी इसमें आएंगे वो आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, यानी कि इसके जो भी आईपी हैं वो वहाँ भी दिखाएगा, दोनों जगह दिखाएगा, सेम रेंज है इसमें दोनों में, ठीक है। अब एक सर्वर को मैं डाउन कर देता हूँ क्योंकि स्टैंड बाई मोड पे काम कर रहा है, तो एक को डाउन कर देता हूँ मैं, ये डाउन हो चुका है, ये वाला सर्वर क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है।
क्योंकि स्कोप के अंदर वो आईपी इसको मिला हुआ था। अब देखो किस सर्वर से उठाया, दूसरे सर्वर, क्योंकि पहला अनअवेलेबल था तो इसने दूसरे सर्वर से रिक्वेस्ट की और दूसरे सर्वर से इसने आईपी ऑब्टेन किया। सेम आईपी मिलेगा क्योंकि रेंज तो एक ही है ना दोनों में, रेंज तो दोनों में सेम है ना। परसेंटेज तो तब काम आएगी ना भाई जब मल्टीपल आईपी असाइन हो चुके होंगे, स्कोप आपके यूज हो चुके होंगे, तो जो बचे कुचे स्कोप बच्चे के जो एड्रेस होंगे उनको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। वो तभी करेगा ना जब पहला वाला डाउन हो जाएगा और पहले वाले सर्वर पे स्कोप कोई नहीं बचेगा क्योंकि उसका क्लोन इसके पास भी है, उसके पास भी रेंज है, पर रेंज में बहुत सारे आईपी बचे हुए अभी, तो उस लिस्ट में से देगा ना पहले तो आईपी, वो लिस्ट जो है उसी की आईपी। हाँ, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो अपनी तरफ से आईपी नहीं दे पाएगा।